पूरे मध्य प्रदेश में सोमवार को नर्सिंग घोटाले के विरोध में कांग्रेस के द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस हमलावर है और इस घोटाले के नाम पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें छतरपुर जिले की हैं, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर छतरपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश में हुआ नर्सिंग घोटाला लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय बना चुका है। इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महाप्रसाद पटेल, कार्यकारी जिलाध्यक्ष अनीस खान और दीप्ति पांडे ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को उजागर करने के लिए जो बच्चों ने 5-5 सेमेस्टर पूरे कर लिए हैं, उनकी डिग्री का कोई अता पता नहीं है, उनकी फीसें लाखों करोड़ों के एवज में जमा है इन लोगों के पास, उनको नहीं है। वे गरीब बच्चे, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प है। उनको न्याय दिलाने के लिए रोडों पर आज अभी ज्ञापन दिया है, अगर नहीं मानते हैं तो उसके सड़कों पर उतरकर जो भी करना होगा उसके लिए करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे पूरा मध्य प्रदेश नंबर एक बनता जा रहा है घोटालों के मामले में और सबसे ज्यादा भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में मध्य प्रदेश नंबर वन है। मध्य प्रदेश वो फैक्ट्री है जहां युवाओं को बर्बाद किया जाता है। यहां के माँ बाप कैसे खून पसीने की कमाई कमाकर बच्चों को दिन रात पढ़ाई करवाते हैं और फिर एक नया घोटाला सामने आता है, चाहे वो पटवारी भर्ती घोटाला हो, नर्सिंग घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो। हमारा मध्य प्रदेश जनक बनता जा रहा है इन घोटालों का, शिक्षा माफियाओं का। हम शर्मिंदा है कि हम ऐसे मध्य प्रदेश के निवासी हैं जहां ये व्यापम जैसे, नर्सिंग जैसे घोटाले होते हैं। विश्वास सारंग जी और हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारे मोहन यादव जी और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतागण ध्यान दें कि मध्य प्रदेश को कलंकित होने से बचाएं और माँ बाप और उन बच्चों की मेहनत की खून पसीने की कमाई को सार्थक करने दें, देश के भविष्य को ऐसे बर्बाद ना करें। चूंकि मोदी जी की एक नीति है कि अगर हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, घोटालों से इस तरह देश को बर्बाद करेंगे तो कोई प्रश्न नहीं करेगा, बुद्धिजीवी नहीं होगा, हमें नौकरियां नहीं देनी पड़ेंगी, फिर हम बस उन्हें बहला के धर्म के नाम पर वोट लेते रहेंगे। तो इन घोटालों की जांच के लिए वरिष्ठ कांग्रेस कार्यालय से पूरे देश में ये देशव्यापी आंदोलन है। नर्सिंग घोटाले का आज पूरी जिला कांग्रेस परिवार की तरफ से हम सब लोगों ने ज्ञापन दिया है और कोशिश यही रहेगी कि हम बच्चों के, छात्रों की हक की आवाज को बुलंद करते रहे और उन्हें न्याय मिले। आज हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा आवेदन जो दिया गया है वो इस संबंध में है, जो हमारे नर्सिंग कॉलेज घोटाला चल रहा है, इसमें कई नर्सिंग कॉलेज अवैध इन लोगों ने खुलवाए थे, उनकी मान्यता निरस्त कर दी। अब उस कॉलेजों में बच्चे पढ़ते थे, उस बच्चों का तो भविष्य कितना खराब हो गया, कितने बच्चों के साथ इनने खिलवाड़ किया, इसके विरोध में हम लोगों ने यह ज्ञापन दिया।